ग्रेटर नोएडा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि परी चौक से जेडीयू के नेता के बेटे का अपहरण हो गया था। जेडीयू के नेता के बेटे का अपहरण करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जबकि तीन बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से अपहरण में इस्तेमाल की गई आर्टिक कार और पिस्टल बरामद की है। मिली जानकारी के मुताबिक ग्रेटर नोएडा के परी चौक के समीप कार सवार बदमाशों ने जनता दल यूनाइटेड के पूर्व जिला अध्यक्ष के बेटे का अपहरण कर लिया था और यह घटना बीती रात की है। अपहरणकर्ता युवक का नाम दिलवर खान है, वो बिहार का निवासी है। अपहरण करने के बाद बदमाशों ने जेडीयू के नेता महराज खान को फोन किया और फिरौती मांगी थी। इसके बाद पीड़ित पिता ने तत्काल मामले की जानकारी बांका पुलिस को दी थी, जिसके बाद सूचना मिलने के तुरंत बाद बांका पुलिस ने ग्रेटर नोएडा पुलिस से संपर्क किया और पूरी जानकारी भेजी। इस मामले में ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 कोतवाली के मुकदमा पंजीकृत किया गया और अपहरणकर्ता युवक की तलाश के लिए टीम को रवाना किया गया। सूचना मिलने के बाद से ही ग्रेटर नोएडा पुलिस इस मामले में लगातार कार्रवाई कर रही थी। सोमवार की दोपहर को ग्रेटर नोएडा पुलिस और नेता के बेटे का अपहरण करने वाले बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ के दौरान दो बदमाशों को गोली लगी है। नोएडा से शिव त्यागी की रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।